एज ए कपल आगे प्लान है घूमने का, हमने ऑलरेडी टिकट बुक कर लिया है। लास्ट वीक वी गॉट एलिमिनेटेड। हम लोगों का टाइट शेड्यूल है कुछ टाइम तक, सो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे नतालिया। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नतालिया को उनके जन्मदिन पर। एंड जैसा कि मैं बोलता आया हूँ, वो बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं। स्मार्ट जोड़ी के बारे में बताइए, आपका सफर कैसा चल रहा है? हमारा सफर तो अच्छा चल रहा है। नहीं, एक्चुअली लास्ट वीक वी गॉट एलिमिनेटेड, बट कोई बात नहीं, इट वॉज अ वेरी स्वीट जर्नी, अमेजिंग जर्नी। सब इतने अच्छे फ्रेंड्स बने हम लोग, वी आर स्टिल इन टच। एंड आज नतालिया के बर्थडे में आए हैं, सो यू कैन सी द बॉन्डिंग। तो बहुत ही मज़ा आया गेम्स खेल के एंड सबके साथ दोस्ती बना के, और आपस में भी हम लोगों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग दिखा है, यू नो, वेरी नाइस। आगे क्या प्लान है एज ए कपल? एज ए कपल आगे प्लान है घूमने का। हमने ऑलरेडी टिकट बुक कर लिया है, यहाँ से कहीं जाएंगे, गोवा जाएंगे, और आगे डेफिनेटली हम साथ में काम करना चाह रहे हैं। और इसीलिए पूछा क्योंकि मदर्स डे आ रहा है, तो आगे क्या प्लान है? ओ माय गॉड, स्मार्ट हाँ। मुझे पता था ऐसा कुछ आएगा, इसीलिए मैं नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, और इसको कहीं ना कहीं मैं ये थोड़ा सा सीरियस है एक्चुअली। थोड़ा हम लोगों का टाइट शेड्यूल है कुछ टाइम तक, सो डेफिनेटली इट्स इन प्लान। भारती जी हाल ही में माँ बनी, माँ बनते ही मुझे हॉस्टल से काम करने के लिए बहुत बुरी तरह से प्रोवोक किया गया। क्या लगा मैंने आपको कि तू इमीडिएटली काम करना चालू कर दिया आई थिंक ये ट्रोलर्स जो भी हैं वो बहुत ही लिमिटेड कुछ लोग होंगे, वो हमेशा ही करेंगे, आप कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो। देखिए कुछ लोगों को ना लाइम लाइट में एक मैं बोलता हूँ लाइम लाइट में आने का, और कहीं ना कहीं हमारी भी एक मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी भी गलती है कि हम उनको इस तरीके से बढ़ावा देते हैं या उनकी बातों को रखते हैं। बट यार ये बहुत ही क्या बोलते हैं, ये हैप्पी मोमेंट है, इतना खुशी की बात है, और बच्चे के आने के बाद भी इतना काम कर रही हैं, दैट्स इसका मतलब वो कितनी फिट हैं। और वैसे भी भारती जी हमारे बहुत क्लोज, मतलब हम लोग हैं, हमने जब नच बलिए किया था साथ में तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी वहाँ से, और मैंने देखा है वो बहुत ही मेहनती हैं हर चीज में, मेहनत और बहुत स्ट्रांग लेडी हैं वो, मेंटली भी फिजिकली भी, और साथ में हर्ष भी है। सो हर्ष भाई हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आई थिंक मैंने ये भी शायद सुना है कि वो बेबी को लेके ही जाती है, तो वो टोटली अपने बेबी के साथ। और मुझे जहाँ तक याद है भारती जी हमेशा बोलती थी उनको बच्चे बहुत प्यारे हैं, वो जल्दी से जल्दी बच्चा चाहेंगी जो भी है। और रही बात ट्रोलिंग की ना भाई, तो ट्रोलिंग तो लोग उन्हीं को करते हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा लोग चर्चा में आने की कोशिश करते हैं, तो बड़े से बड़े नेता को भी लोग ट्रोल करते हैं बट उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो ये एक। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, अब कपल्स एज अ कपल आप लोगों ने दो रियलिटी शोज तो कर लिए, अब क्या बिग बॉस जाने का इरादा है या नहीं? ओटीटी शुरू होने वाला है? नहीं, मेरा बचा हुआ है, इनका हो चुका है। यस हां, ये तो कब से मैं तो चाहता हूं कि मैं जाऊं, अब वो नहीं चाहते